एक समय था जब रिश्ते कैसे भी हों, दूर के हों या पास के, बहुत ही अहमियत दी जाती थी एक आत्मीयता, प्रेम और इज्जत के साथ। समय बढ़ता गया और इसी के साथ लोगों की सोच, रहन सहन के साथ साथ रिश्तों की परिभाषा, उनकी मर्यादा और उनकी अहमियत भी बदलती गई। आज रिश्तों का असली मतलब सिर्फ और सिर्फ एक स्वार्थ, दिखावा और सामाजिक बंधन के सिवा कुछ नहीं। बहुत ही कम लोग हैं जो अपने रिश्ते को सच्चे मन से निभाते हैं, बाकी तो सब एक समझौता करके ही चलते हैं। रिश्ता कोई भी हो, आपका परिवार हो, रिलेशन हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है। सच पूछिए तो आज लोग आपसे रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ के कारण ज़्यादा रखते हैं और आपके प्रेम अच्छाई के कारण बहुत ही कम। आज लोग समय के साथ प्रैक्टिकल हो गए हैं, जिससे उनका मतलब हुआ उसी से मतलब भी रखते हैं। बस उनका काम या मौका होना चाहिए, फिर देखिए वो आपसे कितने प्रेम, कितने प्यार और आपको कितना इज्जत देकर आपसे जुड़ते हैं, जैसे इनसे बढ़कर आपका कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप उनके किसी स्वार्थ या काम में नहीं आते या आपके पास वो सब नहीं जो उनको आप दे सकें, जो वो आपसे उम्मीद करते हैं, तब आप उनकी नज़र में सिर्फ एक बोझ, समझौता बनकर रह जाते हैं। आज लोग एक दूसरे को समझने में कम और समझाने में ज़्यादा रहते हैं। सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि हम दूसरों को भी समझें। रिश्तों के बीच में ये सामाजिक दिखावा, बंधन और न जाने क्या क्या कारणों से लोग बस एक दूसरे से खींचे चले रहे होते हैं, जबकि उनके बीच न कोई मन से लगाव होता, न कोई अंदर से प्रेम। झूठी मुस्कान लिए हाथ मिलाकर बाहर से खुशी, लेकिन अंदर से नफरत और बुराई के गंध से भरे आज के आपसी रिश्तों में कड़वाहट सिर्फ एक दूसरे को अहमियत न देकर अपने आप पर एक घमंड, एटीट्यूड, दौलत, शोहरत, नाम, पहचान और न जाने क्या क्या घमंड में डूबे रिश्तों को देखकर ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा तो जानवर हैं, जिन्हें प्यार करो तो वो भी आपसे सच्चा लगाव रखने लगते हैं। लेकिन आज का इंसान इन सबको एक किनारे करके बस स्वार्थ के रिश्तों में विश्वास करने लगा है। न किसी को अब टाइम रहा, न कोई एक दूसरे को देना चाहता। हाँ, बस उनका मौका हो या कोई आपसे मतलब हो, तब वो आपको भरपूर समय और प्रेम देंगे, वरना आप सिर्फ एक रिश्ते का नाम बनकर रह जाते हैं। आज आपसे रिश्तों में, चाहे परिवार हो या आपके नज़दीकी रिलेशन, इनमें ही सबसे ज़्यादा अंदर से जलन भावना, एक दूसरे से होड़, दिखावा, बुराई, चुगली भरी हुई होती। लेकिन सब ऐसा भी नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं दी जाती, क्योंकि उनके पास सिर्फ सच्चा प्रेम देने के लिए इज्जत के सिवा बाकी वो सब नहीं हो पाता जिससे आज की दुनिया खुश होती। और वो है दौलत, आर्थिक मदद या किसी प्रकार से लोगों द्वारा मांगी गई मदद। बस यहीं से रिश्तों में मन मुटाव और बुराई शुरू होने का आरंभ होता है। एक बात जो आज के समय में है कि अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो यकीन मानिए आप किसी को कितने भी इज्जत देंगे, वैल्यू देंगे, अच्छा उससे व्यवहार करेंगे, सच्चे मन से उसे निभाते हैं, तब भी आपकी कोई वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि आज के लोग इन सब से ज़्यादा अपने स्वार्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये बात आज की सच्चाई है, आज नहीं तो कल आपको एहसास भी हो जाएगा। जब तक आपके पास वो सब होता है जो सामने वाले की डिमांड पूरी करता है, तब तक आप सामने वाले के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसके लिए सब नहीं कर पाते, आप उनके लिए बुरे बन जाते हैं। आज लोग वहीं ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं जहां उनको कोई स्वार्थ या मतलब पूरा हो सके, भले ही सामने वाला उनकी कोई भी वैल्यू न देता हो, लेकिन बस उनका काम हो रहा है तो रिश्ता चलता रहेगा। जैसे ही उनका काम बंद, वैसे ही रिश्तों में दरार आना शुरू हो जाती है। अच्छे लोग जो किसी के स्वार्थ में काम नहीं आ पाते, वो तब याद आते हैं जब लोग किसी से धोखा, अपमान या किसी प्रकार का दर्द पाते हैं, तब उनको एहसास होता है कि अच्छे कौन, बुरे कौन। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। स्वार्थ एक ऐसी चीज़ बन गया है जो आपकी हर बड़ी से बड़ी बुराई छिपा लेता है। आप जब तक सामने वाले के हर एक स्वार्थ या मतलब पूरा करते होते हैं, तब तक आप कुछ भी करें, सामने वाले के लिए आप बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी कारण से उनके स्वार्थ या मतलब पूरा करना
बंद कर देते हैं, वैसे ही आपकी अच्छाई भी उनको बुराई नज़र आने लगती। आज लोग सिर्फ अपना अपना देखते हैं, उनको दूसरों को दर्द तकलीफ परेशानी से उतना मतलब नहीं होता। हाँ, दिखावटी वाले लोग होते हैं जो सामाजिक रूप से आपको मलहम लगाने आएंगे, लेकिन वहाँ भी उनका कुछ ना कुछ मतलब हो ही जाता है या फिर एक एहसान। इसलिए खुद को अंदर से मजबूत बनाइए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, सामाजिक रूप से। इसके बाद बाहर के रिश्तों में कदम रखिए, वरना लोग आपसे मिलने में कतराएंगे। आज लोग इज्जत आपकी नहीं बल्कि आपके बड़ा सा घर, दौलत, नौकरी, पद, पोस्ट, प्रतिष्ठा की करते हैं। इंसान की एक कौड़ी भी वैल्यू नहीं होती आज की नज़रों में, क्योंकि दौलतमंद का कुत्ता भी बच्चा जैसे लगता है और गरीब का बच्चा भी कुत्ते जैसा। इसलिए रिश्तों को जो सच्चे मन से बिना स्वार्थ के निभाते हैं, उनकी हमेशा इज्जत करें, उनकी वैल्यू दें, उनका कभी अपमान ना करें। हो सकता है जब आप हर जगह से ठोकर खाकर, धोखा खाकर, दर्द पाकर लौटें, तब यही सच्चे रिश्ते आपका सहारा बनें, आपकी मदद करें, आपको प्रेरणा दें। इसलिए इंसान की वैल्यू दें, उसके सोच, उसके बड़प्पन, उसके व्यवहार को वैल्यू दें, क्योंकि आज सच्चे रिश्ते बहुत ही कम मिलते हैं जो सच्चे मन से निभाते हैं। क्योंकि आज के लोग उसी प्रकाश के कीड़े जैसे हैं, जहां रोशनी देखा वहीं चिपक जाते हैं और रोशनी खत्म होते ही दूसरी रोशनी के पास चले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस वीडियो का असली मोटिव। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।